लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय भगत को पूर्वांचल विंग्स का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संजय भगत ने कहा कि उनका प्रथम उद्देश्य आने वाली छठ पूजा में पूर्वांचलियों को अधिक से अधिक सुविधाओं को देना, परमानेंट सहायक बूथ और टेम्पररी बूथ खोलना, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना उठानी पड़े। आम आदमी पार्टी ने नए साउथ इंडियन विंग्स को भी खोला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी को निचले स्तर पर सहायता मिलने के लिए ये सारे विंग्स खोले जा रहे हैं। अभी जो प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि अभी 10-20 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद छठ पूजा का आयोजन हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्वांचल के लिए छठ पूजा का आयोजन, छठ पूजा एक महापर्व के रूप में सभी पूर्वांचल वासी दिल्ली के अंदर मनाते हैं। 60% से ज्यादा जो जनता है दिल्ली में, वो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की है। तो हमारे सरकार का पिछली बार भी काफी पूर्वांचल के महापर्व इस छठ पूजा के ऊपर फोकस रहा। काफी नई नई सारी जो छठ घाट हैं, उनको कुछ परमानेंट भी किया गया, कुछ टेम्प्रोरी भी बनाया गया। तो इस बार की जो मेरी प्राथमिकता है, जो हमारी पार्टी की, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका हमें गाइडलाइन मिला है कि हमें सबसे पहले इस बार जितनी भी पूर्वांचल समाज के छठ घाट हैं, वहाँ पे अपनी सरकार की सारी व्यवस्थाओं को सुनियोजित करना है, और कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हर एक विधानसभा के अंदर हम एक हेल्प डेस्क लगाएंगे, और उस हेल्प डेस्क के जरिए हमारी जो उस विधानसभा की समस्याएं होगी छठ पूजा करने वाले हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए, वो सारी सुविधाएं हम वहाँ पे सुनिश्चित करेंगे, और मैक्सिमम जहाँ तक हो सके हम पूर्वांचल वासियों के लिए हमारी पहली प्राथमिकता, अभी जो वर्तमान प्राथमिकता है ये छठ। आगरा के थाना एतमादपुर इलाके में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई और शव को पास में ही कूड़े के ढेर में दफन कर दिया गया। 3 दिन बीत जाने के बाद परिजनों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कस्बे के ही रहने वाले एक युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि युवक का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। मृतक चंद्रपाल ने कई बार अपनी पत्नी और आरोपी को समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने, जिसके बाद आरोपी ने मृतक को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या करके शव को कूड़े में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना एतमादपुर में चंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति 17 तारीख को घर से गया। 19 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई। इसमें गहन छानबीन जब किया गया तो इसमें उसके पड़ोस का ही रहने वाला अशोक है, इसकी संलिप्तता की बात समझ आई। उसको लागे पूछताछ किया गया, फिर उसकी निशानदेही पर उसकी डेडबॉडी बरामद की गई चंद्रपाल की, और इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी भी खोजबीन छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या की वजह क्या मानी जा रही है? प्रथम दृष्टया अवैध संबंध हत्या की वजह समझ में। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के सुनबरसा गांव में पुरानी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को देखने जिला चिकित्सालय पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही घर के पाटीदार हैं। विधायक ने इस घटना को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस पैसे लेकर अपराधियों को छोड़ देती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश यादव ने बीजेपी पार्टी और उनके नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बैरिया में जितने गलत काम होते हैं वो इनके विधायक और सांसद लोग कराते हैं, और बैरिया में हुए जमीनी विवाद में बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पहले से चला रहा है, इसके पहले भी श्री रामनाथ उपाध्याय जी थे, उनको घर पर चढ़ कर के सब मार कर रामनाथ उपाध्याय सगे पटेदार थे, सगे ही एक ही मंच के ही थे, और लगभग एक महीना पहले उनके छोटे भाई को भी उसको मारे लोग, छोटे भाई को मार दिए, और आज फिर अब पूरा डिटेल मुझे मालूम नहीं है, पता चला है कि आज जो है जो आज
आरपीएफ से रिटायर्ड उस हॉल को बुद्धि कर तो सब दिन मिल गए मार कर के आदमी जो है दो चार जगह फ्रैक्चर कर दिया तो उसको गया। जी देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग को सरकार को लोग कहते थे कि गुंडा राज है जंगल राज है और जब से हम लोग की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई ये लोग खुलेआम रोड पर तांडव मचा रहे हैं और ख़ास करके बैरिया में तो ऐसा स्थिति हो गया कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग वहाँ के विधायक कहते हैं कि हमको स्वर्ण का वोट मिला है, अब ये बताइए दोनों तो स्वर्ण ही लड़े हैं और एक का मारकर एक पैर तोड़ रहे हैं और दूसरा का मारकर पैर तोड़ रहे हैं, खुलेआम पिस्टल और काटा लहराया जा रहा है और प्रशासन वहाँ पर जो कि वहाँ पर बैरिया तो वो मैनेजर सिंह की मूर्ति के नीचे वहाँ पर ड्यूटी रहती है दो दो सिपाही का और वो लोग दर्शक बने हैं इसी तरह ये अपना काम कर रहे हैं। एक तो मान लीजिए कि सांसद का मतलब भाई का ही आदमी है और एक विधायक का सौ पर। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विगत समय से अज्ञात बदमाशों द्वारा जनपद के अलग अलग थानों में मोटरसाइकिल चोरी व लूट की घटना की खबर मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने विजयापुर चौराहे पर वाहन चेकिंग कराई। पुलिस ने निशानदेही पर एक स्लेटी रंग की इको गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार चारों अभियुक्त पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्हें बताया कि कोडरा के जंगल में चोरी एवं लूटी हुई मोटरसाइकिल रखी हुई है, उनकी रखवाली हमारे दो व्यक्ति राहुल व विनोद कर रहे हैं। पुलिस के वहां पहुंचने पर दोनों अभियुक्त भागने में सफल रहे। चोरों के पास उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली एवं अन्य राज्यों की गाड़ियां भी बरामद हुई है। ये लोग चोरी की गाड़ियों को 10,000 से 15,000 रुपए में बेचते थे, साथ ही गाड़ियों को अलग अलग जगह बेचने के लिए एजेंट भी बना रखे थे। लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर रखा है जो कि वाहन चोरी होने के बाद सक्रिय रूप से उस पर कार्रवाई करती है। उसी क्रम में मटसेना थाना क्षेत्र और रामगढ़ थाना पुलिस के द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई जिसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक फोर व्हीलर गाड़ी और 14 टू व्हीलर गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उसमें राजेश, फैसल, हसीन और केशव, ये सब रसूलपुर और लाइन पार और उत्तर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हम लोगों को तमंचा, कारतूस और दो चाकू भी बरामद हुए हैं। इसमें हम लोग इनके अन्य जो अगर कहीं इन्होंने घटनाएं की हैं तो अभी आपराधिक इतिहास हम लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं और वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है और ये हम लोगों का अभियान इसमें जारी रहेगा आगे चलते। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वायरल का प्रकोप इस कदर फैला है कि लगभग 180 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। आलम यह है कि गांव के प्रत्येक घर में एक या दो लोग तो कहीं पूरा घर ही बीमार पड़ा हुआ है। गांव में सरकारी सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर न आने की वजह से वीरान पड़ा हुआ है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम गाँव में जाकर कैंप लगाकर मरीजों को दवा वितरण करा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएमओ ने मरीज के खून के सैंपल लिए। डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि गांव में काफी गंदगी फैली है जिसकी वजह से यह बीमारी पनपी और फैल रही है। यहां सफाई कराई जाए और दवाई का छिड़काव कराया जाए तभी यह वायरल कम हो सकेगा। बदेसरा में लगभग सैकड़ों लोग बीमार हैं, क्या कारण है उनकी बीमारी का? देखिए बीमारी एक तो मौसम बदल रहा है, दिन में गर्मी ज्यादा होती है और रात में थोड़े टेम्परेचर कम हो जाते हैं, इसकी वजह से उमन इस समय तक वायरस या वो का प्रभाव कम होता है जाता है लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा चल रहा है इसलिए ये बीमारियां हो रही हैं। और कुछ मलेरिया और संभावित डेंगू मिले हैं एक दो जो किट से जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे हैं और जरूरत पड़े तो उनको अंदर अस्पताल में भेजेंगे और ये कुछ दिन और चलेगा और इसमें धीरज रखें, कोई खतरनाक बीमारियां नहीं है, सावधानी रखें, पानी खूब पिए, मच्छरों से बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें व्यक्तिगत स्तर पर, बाकी फॉगिंग लार्वेसाइजर नॉर्मल दवाओं का छिड़काव हम लोग बार बार कराएंगे वहाँ। हापुर के धीड़खेड़ा में निर्माणाधीन गोदाम का लिंटर गिरने से भयंकर हादसा हो गया जिसमें करीब आधा दर्जन मजदूर बुरी तरह दबकर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार करीब एक दर्जन मजदूर एक गोदाम का लिंटर डालने का काम कर रहे थे तभी अचानक सेटरिंग की एक बल्ली टूट गई और सेटरिंग का सामान नीचे गिर गया
जिसमें करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आए थे, क्या है पूरा मामला? मरीज के साथ उन्होंने बताया कि लेंटर का डालते वक्त मकान निर्माण कार्य करते समय पल्ली टूटने से, सेटलिंग की पल्ली टूटने से नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से चोटें आई तीन लोगों को। सर उनकी हालत कैसे बताई जा रही है? हालत सामान्य है, बाकी अभी वो निरीक्षण के बाद ही पता चलेगा, एक्सरे करने के बाद कि कहीं हड्डी में कोई चोट लगी। क्या मामला है? मामला ये था कि सैटे लग रही, डबल डबल सैटे लग रही थी, तो नीचे से वो बल्ली फिसल गई, उसके बावजूद जो नीचे काम कर रहे थे उन लोगों में चोट लगी, तीन लोग घायल हो गए और तीन का थोड़े नॉर्मल चोट। तो हालत कैसी बताई जा रही है? हालत दो की तो गंभीर है, एक की ब्लड कान में निकल रहा है और एक सर में लग गया, पूरे शरीर में लग गया, चेकअप हो रहा है और एक का हाथ टूट रहा है। कुल कितने लोग घायल हैं इसमें? छह लोग घायल। सरकार जहां एक ओर महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षा के बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं शाहजहांपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे। बता दें कि शाहजहांपुर में कुछ दिन पूर्व जेल से छूटकर आए एक आरोपी सिरफिरे ने अपने साथियों के साथ एक घर में घुसकर दो बहनों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही विरोध करने पर दोनों बहनों को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। हालांकि पुलिस अभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो कि रात में बहुत ही शोर और हल्ला गुल्ला करते थे। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं बाहर निकल गई हुई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, रिक्वेस्ट की कि आप लोग शोर ना करें, तो इतना कहकर मैं चली आई। लेकिन फिर वो सुबह में मेरे गेट पे आकर गंदी गंदी गालियां दी मुझे और बोले कि हम ऐसे ही शोर करेंगे। और जब से वो जेल से छूट कर आए हैं, राहिल जिनका नाम है, वो ऐसे ही रोज रात को देर नाइट गदर काटते हैं, लोगों को लेकर आते हैं गैर मोहल्ले से लड़कों को और जश्न मनाया करते हैं। तो वही मुझे गालियां देकर गए, बोले कि ऐसे तुम्हारे मुंह पे फैर मारेंगे और इतने तुम्हारे गेट पे फैर मारेंगे कि जिससे कि तुम्हारे घर का नक्शा ही बदल जाए, इस तरह से मुझे बोला। और फिर पौने तीन के टाइम पे फिर वो दोबारा से आए गेट पे और गेट खुला हुआ था और गेट से अंदर घुस गए, हम लोगों पे अटैक किया, मेरी गर्दन दबाई और लातों घूसों से हम लोगों को मारा सबको। और घर में मम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे जिसमें से वो भी लोग निकाल कर ले गए। और इसके साथ में दो महिलाओं ने किन्नरों का सहारा लेकर, जिसे वो बुला कर लाई, उन्होंने उन आरोपियों को भगाने में उनकी मदद की। जो कि रात में बहुत ही शोर और हल्ला गुल्ला करते थे। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं बाहर निकल कर गई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, रिक्वेस्ट की कि आप लोग शोर ना करें, तो इतना कहकर मैं चली आई। लेकिन फिर वो सुबह में मेरे गेट पे आकर गंदी गंदी गालियां दी मुझे और बोले कि हम ऐसे ही शोर करेंगे। और जब से वो जेल से छूट कर आए हैं, राहिल जिनका नाम है, वो ऐसे ही रोज रात को देर नाइट गदर काटते हैं, लोगों को लेकर आते हैं गैर मोहल्ले से लड़कों को और जश्न मनाया करते हैं। तो वही मुझे गालियां देकर गए, बोले कि ऐसे तुम्हारे मुंह पे फैर मारेंगे और इतने तुम्हारे गेट पे फैर मारेंगे कि जिससे कि तुम्हारे घर का नक्शा ही बदल जाए, इस तरह से मुझे बोला। और फिर पौने तीन के टाइम पे फिर वो दोबारा से आए गेट पे और गेट खुला हुआ था और गेट से अंदर घुस गए, हम लोगों पे अटैक किया, मेरी गर्दन दबाई और लातों घूसों से हम लोगों को मारा सबको। और घर में मम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे जिसमें से वो भी लोग निकाल कर ले गए। और इसके साथ में दो महिलाओं ने किन्नरों का सहारा लेकर, जिसे वो बुला कर लाई, उन्होंने। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।